तो जब हम भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं ना, जो चीज़ हमें जाननी होती है ना, हमें उसी दिन उसी चीज़ का आंसर भगवत गीता देती है। ये चीज़ जब आप पढ़ोगे ना तो आप एक्सपीरियंस करोगे, आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है सब चीज़ अलग अलग, सब चैप्टर्स अलग है, सब लाइन वाइज तो चलेगा नहीं। जो चीज़ आपको जाननी है आपको उस दिन मिल जाती है भागवत में। तो कल हमने एक स्टोरी लगाई जिसमें हमने लिखा था कि इट्स ओके, एवरीवन इज गोइंग थ्रू विद सम काइंड ऑफ पेन, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो उसमें हमारे क्लासमेट का एक रिप्लाई आया कि आप तो ईश्वर की संध्या में है, आप भी पेन में है क्या? फिर हंसने वाले इमोजी। हमें तब तो समझ नहीं आया क्योंकि हमें मालूम नहीं था वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अब हमें समझ आया कि वो कहना चाह रहा था कि तुम तो भगवान का नाम ले रही हो, इतना ले रही हो, उसके बाद भी तुम्हें पेन है क्या? तुम पेन में ही हो, इस टाइप से वो पूछना चाह रहे थे। क्यों हो ईश्वर का नाम लेने के बाद भी क्यों हो? तो जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं ना, हम भगवान को जानना शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें, बुरी चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, जो सबसे ज़्यादा गॉड में बिलीव करते होंगे। ये फैक्ट है, ये होता ही होता है डिवोटीज़ के साथ, ये होता ही होता है। तो जब आप ऐसा करना शुरू करते हो ना, तो ये चीज़ नहीं होती कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं या ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ उनके साथ बुरी चीज़ें इसलिए हैपन होती है क्योंकि जब हम इतने जन्म लेकर आए हुए हैं, हमने वहाँ पर कितने बुरे बुरे काम भी करे होंगे, हमने अच्छे काम भी करे होंगे, जैसा हम इस जन्म में करके अगले में जाएंगे, ठीक है। तो जो हम पिछले जन्म में हम जो अच्छे काम कर आए हुए हैं ना, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम कुछ लेते हैं या कुछ अच्छी चीज़ हमारे साथ हैपन होती है, तो वो उनका फल हमें मिल रहा होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब भी हमें हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा होता है, कोई सामने वाला हमारे साथ बुरा नहीं करता, ठीक है। उनका नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो भगवान जी हमारे बुरे कर्म हम पे फेंकते रहते हैं कि अभी ये पूजा पाठ में अभी ये मेरे को याद कर रहा है, अभी सब डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये रोएगा नहीं कि क्या मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही सब बीत रहा है, अभी ये मेरा नाम लेता लेता ना ये सब कुछ, ये सब डाइजेस्ट कर जाएगा। तो वो हमारे पे हमारे सारे बुरे कर्म फेंक देते हैं। एक बार वहाँ से जब हमारे बुरे कर्मों की पोटली खाली होती है ना, उसके बाद इस जन्म के अच्छे कर्म, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, फिर उसके बाद सब मंगल ही मंगल होता है। इसलिए बोलते हैं ना, जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है, बार बार आपको ना ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आप कहोगे क्या भगवान इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी सब बुरा ही बुरा हो रहा है। हम ऐसे नेगेटिव ले जाते हैं अपने साथ चीज़ें, है ना, तो वैसा ही हो जाता है। तो ये चीज़ को समझो, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना उनके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके थोड़े जो बुरे कर्म है ना, भगवान वो वाली पोटली खाली कर रहा है ताकि हमारे अच्छे कर्मों के लिए वहाँ जगह बन सके और फिर हमारा मंगल ही मंगल हो सके। तो इसलिए होता है जब हम पूजा, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे पास कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम भगवान का नाम इसलिए नहीं लेते कि हमें कोई दिक्कत ना आए, ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ, ना ही कोई भी डिवोटी इतना कमज़ोर है कि वो भगवान के पास जाके रोए कि मेरे को कोई दिक्कत ना दो, ठीक है। हम भगवान का नाम इसलिए लेते हैं ताकि वो दिक्कत तो वो देगा ही देगा, हम जो वहाँ बुरे कर्म करके आए ना पिछले जन्म में वो तो भुगतने पड़ेंगे, भगवान भी नहीं बचा सकता उन चीज़ों से। तो वो बुरे कर्मों को झेलने के लिए आप हमारे साथ रहना, ठीक है। जब भी मेरे को कोई दिक्कत आए, मैं ये ना बोलूँ कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मैं बोलूँ चल भगवान है ना मेरे साथ, देख लेंगे दोनों मिलके, देख लेंगे मैं और राधा रानी दोनों मिलके देख लेंगे। तो इस दिन के लिए हम पूजा पाठ करते हैं।